ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। जय माता रानी की। आज हम आपको जो यह मंदिर दिखा रहे हैं, इस मंदिर की बहुत बड़ी विशेषता है। ऐसा माना जाता है कि यह विशाल मंदिर एक ही पत्थर से बना हुआ है। इस मंदिर का निर्माण रातों रात हुआ था और इसे स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था। भगवान शिव के देव तालाब स्थित इस मंदिर के आसपास कई तालाब हैं। वैसे तो भगवान शिव के इस मंदिर में जो एक कुंड बना है, उस कुंड का नाम शिव कुंड है और यह शिव कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। कुछ मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर के नीचे भगवान शिव का एक दूसरा मंदिर भी स्थित है, जिसमें चमत्कारिक मणि मौजूद है। कई वर्षों पहले मंदिर के तहखाने से लगातार सांप बिच्छुओं के निकलने की वजह से मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया गया है। इस मंदिर के ठीक सामने एक राजा की गढ़ी भी मौजूद थी। यहाँ का राजा नास्तिक था। कहा जाता है कि इस मंदिर को गिरवाने के लिए राजा ने कई योजनाएं बनाई थी, परंतु जैसे ही राजा ने इस मंदिर को गिरवाना शुरू किया, अचानक उसी वक्त पूरा राजवंश जमीन के नीचे दब करके मर गया, नष्ट हो गया। ऐसा माना जाता है कि देव तालाब के दर्शन मात्र से चारों धाम की यात्रा पूरी हो जाती है। मंदिर से भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है। यहाँ प्रतिवर्ष 3 मेले भी लगते हैं और इसी आस्था से प्रतिमा हजारों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते रहते हैं। भगवान विश्वकर्मा के बनाए हुए इस मंदिर में अनादिकाल से भगवान शिव का शिवलिंग स्थापित है, जो कि स्वतः ही यहाँ पर उत्पन्न हुआ था। और साथ ही साथ यहाँ के मंदिर के पुजारी ने बताया कि यहाँ पर भगवान शिवलिंग के साथ साथ माँ काली की भी मूर्ति प्रकट हुई थी। इसके अलावा इस मंदिर में 4 शिवलिंग और हैं। कुल मिलाकर इस मंदिर में 5 शिवलिंग स्थापित हैं। मान्यताओं के अनुसार यह जो 4 अतिरिक्त शिवलिंग है, यह राजाओं के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी स्थापित किए गए हैं। आशा है यह जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी होगी। जय माता रानी।